आज भी मुझे याद है और मैं बैठी हुई थी और वो सी ओ आया हाय माय नेम आई डोंट वांट टू से माय नेम इज दिस आई सेड हाय माय नेम इज तदना फ्रॉम योर स्टोरी ही सेड सॉरी कहाँ से मैंने कहा योर <"Your> स्टोरी से <laughs> <laughs> बोला ये क्या स्टोरी है मैंने सोचा तुम सी एन बी सी से हो ये तुम योर स्टोरी से एंड देन वो जो लड़की जिसने इंटरव्यू uh, सेट किया था उसको कहा कैसे कैसे लोग को उठा के ले जाती हूँ हाँ, मुझे लगा उस समय भर भर के शुरू करूं। मैंने नहीं इस के सामने नहीं रोंगी नहीं क्योंकि वो I will not give interview to someone. मैं ऐसे ऐसे किसी जिसको जानता नहीं मैं क्यों दू इंटरव्यू और मेरा दिल क्योंकि मेरा दिल था कि आवाज दो स्टोरी सुनाओ और ये और ऐसे मैं उस दिन थर्ड फ्लोर से चल के नीचे आई और पता नहीं आंख से आंसू आया और मैंने कहा एक दिन जो स्टोरी को बहुत बड़ा बनाऊंगी और दुनिया में जो भी हैं और यंग लोग हैं और जितने स्टार्टअप्स हैं और जितने लोग कुछ करना चाहते हैं सब इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहेंगे और संदीप चौदह साल लगा है बट uh, आज बहुत मिलियंस ऑफ पीपल अदर एंड बहुत चीज़ें हुई हैं जब मैंने प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू किया जब मैंने रतन टाटा आज दुनिया भर के बहुत सारे और इंडिया के बहुत बड़े बड़े लोगों सबको ऑलमोस्ट आपके वहां पे कवर हो या, रखे हैं आज की डेट में आपकी जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन है अराउंड फोर्टी मिलियन डॉलर तो आप ये बताइए कि शुरू शुरू में जब आपने किया तो आपको इनिशियल जो ब्रेक थ्रू होता है यानी शुरू के जो पांच दस इंटरव्यूज हैं वो कैसे मिले वो आपने किन लोगों के करे और उस उसपे भी जब तक व्यूज नहीं आएंगे तब तक और लोग नहीं आएंगे

प्लेटफॉर्म बन गई जब मैंने आपकी स्टोरी आपके ज़ुबान में सुनाई तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में और हर जगह प्रमोट करने लगे तो वो ऑर्गेनिकली अभी जो इंग्लिश में कहेंगे नेटवर्क इफेक्ट काफी सही था क्योंकि पीपल बिकेम प्रमोटर्स ऑफ द स्टोरी एंड उसके बाद लोग आने लगे वेबसाइट पे वेरी इंटरेस्टिंग मतलब आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना कि क्या किया इन्होंने कैसे किया कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प से एक वेबसाइट बनाई वो भी इन्होंने खुद नहीं बनाई <laughs> से बनवाई और वो भी आई थिंक फ्री में बनवाई होगी आपने <laughs> तो इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया था अपने बिजनेस में उस टाइम पे समोसा खिलाया था तो ऐसा नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया हाँ उस टाइम पे इन्होंने क्या किया एक वेबसाइट बनाई कुछ स्टूडेंट्स की मदद से जहां पे कुछ समोसे लगे फिर उसके बाद में वो वेबसाइट बनाने के बाद में लोगों को कांटेक्ट किया और वो स्टोरी सिंपल टेक्स्ट में होती थी कोई वीडियो yes, नहीं कोई ऑडियो नहीं, नहीं, नहीं कुछ नहीं, नहीं।, नहीं। तो सिंपल टेक्स्ट यानी कि एक लिया, एक इंटरव्यू इंटरव्यू लिया फॉर्म में वहां पर टेक्स्ट में आ गई यानी कि एक वेबसाइट के ऊपर उनकी कहानी आ गई विद्या राइट तो देखा जाए तो बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल है आइडिया कितना सिंपल है जो हम सोचते हैं ना कि आइडिया 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 में क्या है सोचो एक वेबसाइट बनानी है वो आज की डेट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है कहीं से भी बन जाएगी जाओ जाकर के लोगों के लोगों इंटरव्यू लो और वहां पे उस पे उस वेबसाइट पब्लिश करो और एक दिन 40 मिलियन डॉलर की कंपनी खड़ी कर दो मगर मैं यहाँ कहना चाहूंगी आइडिया दॉ सिंपल बट आइडिया वॉज टफ बिकॉज माई आइडिया वॉज मीडिया में आने के बाद कि मीडिया में चलता क्या है नेगेटिव और सेंसेशनलिज्म और मैंने कहा मैं यो स्टोरी शुरू करूंगी जहां पे मैं आपके बारे में नेगेटिव आपको नीचा नंगा नहीं करूंगी आई विल सेलिब्रेट यू फॉर हु यू आर जो तुम्हारे अंदर अच्छाइयत है थे, वो दिखाऊंगी एंड वो चौदह साल तक कंसिस्टेंटली दिखाना इन अ मीडिया स्पेस विच इज नॉट पॉजिटिव इज ऑलवेज जजमेंटल

कुछ लोग आए उन्होंने आगे लोगों को बताया फिर वहां से कुछ और लोग आए उन्होंने आगे लोगों को बताया धीरे धीरे वो बड़ा होता चला गया धीरे धीरे वो फैलता चला गया और फैलते फैलते मिलियन ऑफ पीपल तक फैल गया आज की डेट में कितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक है आपकी वेबसाइट पे दस मिलियन दस मिलियन पर मंथ और yes, पर ईयर पर मंथ पर मंथ दस मिलियन मतलब एक करोड़ लोग यहाँ पर आते हैं इनकी वेबसाइट पे हर महीने विच इज नॉट अ स्मॉल नंबर विच इज अ गुड नंबर पांच मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने न्यूज लेटर के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है फाइव मिलियन सब्सक्राइबर्स है और टेन मिलियन यूजर्स है तो अब समझते हैं कि इसको आपने मोनेटाइज़ कैसे किया ये तो हो गया शुरू में जहां से आपका प्रोडक्ट वायरल हुआ अब दूसरा चैलेंज आ जाता है मोनिटाइजेशन यानी कि यहां से पैसा कैसे कमाया करें। पहली बात मुझे थैंक है, पहली बार ये सब क्वेश्चन कोई मुझे पूछ रहा है <laughs> यूजुअली आप पूछते हो? <laughs> <laughs> नहीं और यूजुअली कोई सोचता ही नहीं है कि आ, सुनना चाहिए या इट्स वर्थ इट बट आई एम थैंकफुल दैट यू आर टेलिंग इन इंडिया माय स्टोरी क्योंकि मैंने चौदह साल से मेहनत करके एक प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल बिजनेस बनाया है तो hmm. आ, कैसे पैसा शुरू किया तो आइडिया तो बहुत रोमांटिकली की सबकी कहानी सुनानी है दिल से है। दिमाग यूज ही नहीं किया फिर पता चला दिमाग नहीं यूज किया है क्योंकि पैसा कैसे बनेगा स्टोरी स्प्रेड हो रहे हैं सब कोई लव कर रहा है स्टोरी और सबको बहुत वैलिडेशन मिल रहा है मगर पैसा कैसे बनेगा बहुत बड़ा सवाल था मेरे सर पे और बहुत और मिडिल क्लास से आने से और जहां से जिस बैकग्राउंड से मैं आ रही थी मेरी मदर और मेरे घर में आ, पैसा कमाना बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि ऐसा नहीं था कि कोई घर से पैसा भेज रहा था या कुछ वो था तो स्ट्रेस भी काफी है और पैसे को लेके काफी स्ट्रेस होने लगा और प्लस आप एक सेफ और सिक्योर जॉब कर रहे थे जिसको आपने छोड़ा था यहाँ से पैसा आ रहा था और यहाँ पे कितने टाइम तक तो पैसा नहीं आया था योर स्टोरी शुरू करने के बाद एक साल तक एक साल तक कोई पैसा नहीं आया नहीं तो एक साल तक आपने कैसे सरवाइव किया अपनी पागल, के पागल हो गई थी मैं <laughs> 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 क्योंकि पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज था मेरी जिंदगी में एंड uh, सेविंग था और ट्रेन से चलती थी जैसे आज अच्छे दुपट्टे पहने उस समय शॉपिंग कुछ भी नहीं किया <laughs> एकदम एकदम इकोनमस uh, एक uh, जिंदगी उस समय जिया मैंने बट आई वॉन्ट टू कॉल दिस आउट कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड आई डेट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप पैसे से नहीं आते हैं तो आपको सबसे ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि आपके अंदर एक आग लगा होता है कि पैसा कमाना है राइट इट इज वेरी गुड आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे घर से कोई एक रुपया नहीं भेजा न था तो मेरे अंदर बहुत हमेशा था कि कुछ भी बिजनेस करूं तो पैसा खुद इट शुड बी सेल्फ सस्टेनेबल एंड इट शुड बी एबल टू मेक मनी किसी ऑन्टरप्रेनर ने जिसकी स्टोरी की थी मैंने श्रीला डुपल मुझे आज भी उसका नाम याद है वो कहा हाउ आर यू मेकिंग मनी मैंने कहा नई स्टोरी सुना रही तो वो तो नहीं, नहीं इतना अच्छा कर रहे मैं पैसा आपको नहीं दे सकता क्योंकि अब मैंने कहा मुझे आपसे लेना भी नहीं है पैसा बट बोला उसने कि मैं आपको एक किसी इंसान से कनेक्ट करूंगा जिससे आई स्टिल रिमेम्बर उस आदमी का नाम बख्शीश दत्ता सन स्टार्टअप असेंशियल प्रोग्राम होता था सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी थी अब वो औरकल ने खरीद ली है उसने मुझे एक फर्स्ट चेक ही गेव मी ऑफ वन लाख रुपीज टू रन अ प्रोग्राम कैंपेन

और इस साल भी टचवुड रहेंगे तो अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ से आपकी रेवेन्यू आनी शुरू हुई yes. यानी अब आपको समझ आया कि अच्छा ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता yes. है यानी अपनी वेबसाइट पे एड्स रन करके तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि रेवेन्यू आपकी किस तरीके से रही ग्राफ क्या रहा जैसे पहले साल में कितनी रेवेन्यू थी फिर उसके बाद कितनी, कितनी हुई कितनी हुई कितनी हुई कैसे बढ़ी रेवेन्यू जहाँ पे हमने मैं सोचती हूँ कि मैंने डिसरप्ट किया मॉडल कि एड से पैसे नहीं कमाए क्योंकि एड जो होता है वो अगर देखिए तो उसके लिए सौ मिलियन एक बिलियन व्यूज और ये सब उससे स्केल का पैसा बनता है तो हमने मैंने देखा मैंने बी टू बी मीडिया बनाने बैकएंड मॉडल बी टू सी था स्टोरीज बट बैक एंड में मैंने कहा बी टू बी जिन सारे जो स्टोरीज कर रहे हैं उसमें काफी डेटा और इंटेलिजेंस मिल रहा था एक कोर्ट है ब्रेनेम ब्राउन कहती है स्टोरीज आर डेटा विथ सोल्स

बना थर्ड हम रिसर्च रिपोर्ट्स काफी निकालते हैं और ये सब करते हैं चौथा मैंने कहा न्यूज लेटर सब्सक्राइबर्स क्योंकि ये CEOs, ये टॉप सब तो मेलर्स भेजने के आप हाँ, पैसे लेते होंगे वो, भी हाँ, है। वो होता तो, अभी वीडियो कैंपेन्स काफी करते हैं तो उसके लिए आते हैं अगेन कॉपोरेट प्रॉपर्टीज बनाए जैसे मनी मैटर्स ये सब करके सीरीज हम चलाते हैं तो अब ये सब बहुत सारे यू नो वंस यू हैव द ट्रस्ट